हां जी तो वेलकम बैक टीच वीजा पंजाबी चैनल ते। ए वीडियो उना वीरां वास्ते काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है जेडे वीर इस टाइम दुबई दे विच ने, यूएई दे विच ने, उना वास्ते वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पाकिस्तानी हो या फिर इंडियन सिटीजन हो, तुहाडे वास्ते वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। जिन्ने भी साडे वीर ने जिन्ना इटली जाना वा दुबई तो यूएई तो, उन्हां वास्ते इंपोर्टेंट मैसेज ए वे कि कोई भी एजेंट पाकिस्तान दा, इंडिया दा, बंगलादेश दा या किसी भी कंट्री दा कोई भी एजेंट तुहानू ए कहण दिया वे कि आउटसाइड वर्कर्स जिहड़े ने उन्हां वास्ते वीजा ओपन होया वे, इमीग्रेशन ओपन होई है, ते ओह झूठ मारदा, ओह तुहाडे कोल सिर्फ पैसे लैण दे चक्करां दे विच तुहाडा काम नहीं होना। ओदे दो रीजन ने। पहला रीजन तो यह वे कि इमीग्रेशन किसी किस्म की कोई भी ओपन नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा रीजन ये वे कि जिन्नी देर तक इमीग्रेशन ओपन नहीं होंगी, मैं फिर एक बार रिपीट करना, जिन्नी देर तक इटली की कोई भी इमीग्रेशन नहीं होंगी उन्नी देर तक एजेंट जेरे ने तुहानू असल गल नहीं दसते। मैं तुहानू एक गल दसा, 2022 दे फरवरी दे महीने दे विच इमीग्रेशन ओपन होई सी ते आलमोस्ट हर इटली दे न्यूज़ चैनल ने, हर न्यूज़ पेपर ने ते उन्हां दी जिहड़ी ऑफिशियल वैबसाइट है उहदे ते भी उन्हां दीआं हर एक दिन दीआं पोस्ट आउंदीआं सन, डेली बेसिस ते पोस्ट आउंदीआं सन। ते किसी भी एजेंट को जान तो पहला या किसी भी एजेंट नू पैसे देन तो पहला उन्हां दी जिहड़ी वैबसाइट इटली दी तुसी ओ जरूर चैक कर लियो, क्योंकि इटली दे विच जाना सौखा वे, बहुत ही ज्यादा सौखा वे, पर उदों जदों इमीग्रेशन खुली होवे। इस टाइम इमीग्रेशन बंद है, इमीग्रेशन ओपन होण दे चांस नजर आउण दे ने, बट हजे ओपन नहीं हुई। तुहाडे ज़हन दे विच एक सवाल होना है कि सब नालों सौखा तरीका किहड़ा वे कि सानू पता लग जाए इमीग्रेशन ओपन होई है। पहला नंबर ते तुसी ऐ करो कि उन्हां दी जिहड़ी ऑफिशियल वैबसाइट इटली दी जिथों सारियां न्यूज़ां हुंदियां ने तुसी उहनूं फॉलो कर सकदे हो। ते दूसरा सब नालों सौखा ते सब नालों आसान तरीका फ्री दे विच इह वे कि तुसी इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो, हर एक वीडियो जिहड़ी भी अपलोड कीती जावे उह तुहाडे तक पहुँचदी रहे। ते दुबई तो पाकिस्तान तो इंडिया तो तुसी इटली नहीं जा सकते क्योंकि इमीग्रेशन ओपन नहीं हुई है। ते ए वीडियो नू तुसी अगे अपने वीरां नाल भी शेयर करो ताकि बहुते तो बहुते वीरां तक इनफॉर्मेशन पहुंच सके।